गाइस वेलकम बैक टू बिकम ट्यूटोरियल। आज का शुरुआत करेंगे नया टाइप के साथ। एलिगेशन चल रहा है। एलिगेशन एलिगेशन का मतलब सबको पता ही सम्मिश्रण, ठीक है। तो एलिगेशन बहुत ही खतरनाक तरीके से बता रहे हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से, उसमें कोई भी ट्रिक ज्यादा भी यूज नहीं कर रहे, सिर्फ बेसिक चीजों से लेके चल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आज का क्वेश्चन का नाम है क्वेश्चन नंबर 16। क्या हम लोग कहां पहुंच गए? 16 नंबर। तो 60 नंबर का सवाल आपको क्वेश्चन को लिखवा देते हैं। एक मिश्र धातु में तांबा, एक मिश्र धातु में तांबा, जस्ता, निकेल। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं हमारे वीडियो, तो वो सभी को बोलते हैं कि सैटरडे को जरूर से जरूर जुड़िएगा। ग्रुप डी का लाइव टेस्ट का रिजल्ट हम लेके आते हैं, तो जरूर देखिएगा और साथ ही साथ हमारे साथ पढ़िए, हमारे साथ बैठ करके पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। एक मिश्र धातु में तांबे, जस्ते और निकेल का अनुपात 5:3:2 है। 5:3:2 है। एकदम रफ्तार पकड़ेंगे, एकदम पकड़ेंगे। तदनुसार उसमें मिश्र धातु का अनुपात, मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए, करने के लिए 100 केजी मिश्र धातु में 100 केजी निकेल और ज्यादा मिला डालना होगा, ज्यादा डालना होगा। दस केजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गर्दा गर्दा, तो इसको कहता धुरा उड़ाना। तो एकदम पहले बोल क्या रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि पहले क्या है, तांबा है, कॉपर। दूसरा क्या है जी, जस्ता, जस्ता को जिंक, ठीक है, और कॉपर को सीयू ही ले लेते हैं, जिंक को जिंक ले लेते हैं, और निकेल को एनआई ले लेते हैं। कोई दिक्कत? क्या है, 5:3:2 कितना है? दो। कोई दिक्कत? और ये सभी मिलकर के कितना है, 5×8=10। और 10 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100। कोई दिक्कत? तो एक का वैल्यू हमेशा निकाल के रखेंगे, कितना हो जाएगा, 10 केजी। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, जल्दी से बता देंगे, कोई परेशानी, कोई दिक्कत। फिर क्या बोल रहा है, किस कितना हम ग्राम, क्या बोला था, कितना केजी, कितना किसको मिला दिया था, निकेल को मिला दिया जाए। देखिए सब में कोई पर 5 है, फिर 3 है, और कितना कर देना है, 3। तो छेड़खानी कुछ नहीं हुआ है, ना 5 के साथ हुआ है, ना 3 के साथ हुआ है, तो सिर्फ 2 की जगह कितना हो गया, 3। यानी निकेल कितना ज्यादा हो गया जी, 1 ज्यादा। तो 1 का वैल्यू पहले प्राप्त कर चुके हैं, दैट मीन 10 केजी, करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझे कि ना, समझो। खोपड़ी में धसा है, बन गए, धसा कि नहीं पहले बता देते। 5 में 5 कोई परिवर्तन किया? नहीं। 3 में 3 कोई परिवर्तन किया? नहीं। जब परिवर्तन कुछ नहीं किया, सिर्फ परिवर्तन कहाँ हुआ, निकेल में परिवर्तन हो गया। 2 के जगह कितना हो गया, कितना कितना परिवर्तन हुआ, 1 परिवर्तन। नहीं, 1 का वैल्यू कितना है वही पता करना, 1 का वैल्यू पहले पता करना, ठीक है। अगर इस सब छेड़खानी रहता बाबू, अगर कोई छेड़खानी रहता तो फिर सोचते, फिर सोचते, फिर हम लोग दूसरा चीज करते, लेकिन हमारे कोई छेड़खानी नहीं किया। आगे बढ़े, 17 में पढ़े बाबू, 17 में क्या विष्णु बाबू, समझ में आया, खोपड़ी में धसा है ना, सब ठीक कर देंगे हम, ठीक है, एकदम किल तिल ठोक के हम सब ठीक कर देंगे, बस लगातार एकदम मंडे टू फ्राइडे ढंग से पढ़ना है, सैटरडे को भले फेल हो जाए, है कि ना, पार्टी चलते रहे, रुकना नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात, तेजी से हाथ का रफ्तार, तभी तो वहां पे टेस्ट तुम लोग बढ़िया नहीं पाते हो। इस बार पास कर गया बहुत बच्चा, जैसे पंकज तो इस बार सोच रहा होगा पास तो अब तो करिए गए, तो पास करने से काम नहीं चला, रिजल्ट वहां होगा तब ना, ए ग्रुप डी का नौकरिया तुम्हारे हाथ में होगा तब ना, खाली पास करने से थोड़े काम चलेगा। एक मिश्रण में अल्कोहल तथा जल का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए, यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए, तो अनुपात 4:5 हो जाता है, अनुपात 4:5 हो जाता है। तो उस नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी, एकदम सिंपल क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, हाँ इस तरह क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, मात्रा घटाई या बढ़ाई जाए वाला में, जल्दी बोल रहे हैं विष्णु, बम बम, निर्मल सब बताएगा तब ना जी,
ए बाबू तुम लोग पहले भी पढ़ के थोड़ा आओ, ए लड़का पहले भी पढ़ के आया तो कॉन्फिडेंस आएगा, अरे बाबू पहले तुम लोग पढ़ के आओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, बात समझे। हाँ खतरनाक सिस्टम बन पाओगे जैसे नहीं होते, खतरनाक बनो, श्रेष्ठ बनो, दमदार बनो, दुनिया में हिला दो सबको एकदम, भर के दो कि नी निर्मल है। बम 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 कितना बढ़िया नाम है, बम बम कोई सोचो अभी नहीं था कितना बढ़िया नाम, बम बम जैसे आएगा नाम ना हाइलाइटेड में बम बम बम। राजू तो डुबा ही दिया है कि नहीं, कल बताओ जहां से ज्ञान प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त 40 नंबर ना लगा। क्या बोले सर क्वेश्चन? बोले कि नए तो लिखता नहीं है कि नए मिश्रण अल्कोहल की मात्रा कितनी थी, होगी मतलब। टाइम इज ओवर, टाइम खत्म हो गया, इतना देर में नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोला जी, अल्कोहल था जल, अल्कोहल ले लिए और क्या ले लिए जी, वाटर, कोई दिक्कत? कितना कितना अनुपात दिया है, 4:3, 3, कोई दिक्कत? क्या बोला क्वेश्चन में, 5 ग्रेप जल, जल का है दिया, 5 ग्रेप जल मिला दिया जाए तो कितना बन जाता है बाबू, कितना हो जाता है 4:5, 5, यही ना जी। तो हमारा 6 बाबू भैया, हम छेड़खानी किसमें हुआ, जल में कि अल्कोहल में? तो कोई बात नहीं, जल में छेड़खानी हुआ, इसका मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए, अल्कोहल जल अल्कोहल और अल्कोहल चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं है तो बहुत बढ़िया। कितना बेसी है ये, दो का काम वैल्यू कितना है, 5, तो किसका वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू, नए मिश्रण बोला है कि नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, नए मिश्रण है कौन वाला, यही ना, नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा यही पूछा है जी, तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितना होगा बताओ तो जल्दी से, तो 4 बराबर यही पूछा, अल्कोहल यही ना है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, 10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, फटाफट जल्दी से, फटाफट जल्दी से कोई बता दो कि कोई परेशानी है, इतना सिंपल नहीं बना पाए, कुछ पूछना चाहते हो, समझना चाहते हो बढ़िया से? अच्छा, 10 कैसे, बहुत बढ़िया, पूछते नहीं इसलिए कमजोर रह जाते, फिर बोल रहे हैं जिस दिन पूछना शुरू हो जाए, कहता ना डायलॉग निकला है, सच्चे बात निकला है कि जब तक हम लोग नहीं समझ जाते हैं, जब तक हम लोग नहीं पूछते हैं तब तक हम मूर्ख रहते हैं, जब पूछ देते हैं ना तो फिर मूर्ख नहीं रहते, थोड़ी देर के लिए मूर्ख रहोगे लेकिन जब सीख जाओगे तो फिर मूर्ख कैसे रहे, तो इसलिए थोड़ी देर तक मूर्ख बनो, मरो 5 मिनट के मूर्ख बनना पड़े तो बनना पड़ेगा, लेकिन सीख जाओगे तो फिर पूछोगे, पूछना ही नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब वही काम करना। तो पहले था 4:3 था, कोई दिक्कत, फिर जैसे 5 लीटर जल डाल दिया जाए तो बोला कि 4:5 हो गया, नया मिश्रण ये होगा, पुरनका मिश्रण ये है, ठीक है, तो नयको मिश्रण पुरनका मिश्रण में अल्कोहल वह रहेगा जैसे कि चेंज नहीं हुआ, तो बोला कि तो यहाँ पे क्या हो, अल्कोहल देखो छेड़खानी किसके साथ हुआ, जल डाला गया, तो जल को डाला गया तो अल्कोहल में कोई छेड़खानी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब अल्कोहल की मात्रा क्या होना चाहिए, बराबर, यहाँ पे दिख रहा बराबर ही है, कुछ चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा, अगर बराबर न रहा तो क्या पहले क्या करते, दोनों को बराबर करते, दोनों को बराबर, लेकिन यहाँ पे चेंज करने का जरूरत नहीं महसूस हुआ, तो इसका मतलब 4:4 बराबर हो गया, इसका मतलब कितना वृद्धि हुआ, 5 लीटर डालने से कितना वृद्धि हो गया, 2 का वैल्यू कितना दिया जो वृद्धि यहाँ पे किया, 5 लीटर डाला है तो 2 का वैल्यू 5, तो 4 का वैल्यू नहीं जानते हो, अरे दुगुना इधर किए, इधर कितना किए, दुगुना, तो उधर भी दुगुना नहीं करोगे, 4×10, बात समझे, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, जल्दी से फटाफट, 18 नंबर, चलो 18 नंबर, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल्दी से फटाफट लिखो, 25 लीटर के एक मिश्रण में, टेंशन लेना हम सब ठीक कर देंगे, ठीक है, टेंशन लेने का कोई बात ही नहीं रखना, 25 लीटर के एक मिश्रण में किसी अदना पंकज राजू लोग बोल रहे हैं, फिर तुम लोग को बस धोखा मत देना, एकदम इस बार कम से कम रिजल्ट दो, खासकर बोल रहे हैं उसके बाद विष्णु राहुल सब भी आएगा, निश्चित रूप से रिजल्ट दे पाएगा, 20 नंबर अगर ला पा रहा है और पास ला रहा है तो धीरे धीरे 30 नंबर कर देंगे, 25 नंबर कर देंगे, इस तरह से 25 के बाद 30, 30 से भी 40, 40 से 50, 50 नंबर तक रखेंगे पास करने का क्राइटेरिया, बात समझे कि ना, समझे, तब ना मजा आएगा, तब और वृद्धि होगा, लेकिन अभी CGS जीके ये लोग बहुत कमजोर है, अब तुम लोग थोड़ा सा भी काटने उठने आता कि कौन शर्मा छटेगा, ये भी सीखो, आप 50 अटेम्प्ट किस बार पे लेते हो बेवकूफ जैसा, कम से कम 70-80 अटेम्प्ट लो, अब लोग उतना तो कैसे ले पाएंगे, उतना अटेम्प्ट लोगे तब तुम्हारा 40 तो आ रहा है, आएगा ही आएगा, अब उतना मूर्ख जैसा खाली अटेम्प्ट ले लिए धुना के गलती हो गया तो वो नहीं होता है, गलती करेंगे भाई यूनिट डिजिट में, ठीक है, यूनिट डिजिट जो गलती करते हैं बड़ा अच्छा लड़का, वो खतरनाक है वो। चलो तब लेते हैं क्वेश्चन को, क्या बोले क्वेश्चन, 25 लीटर के एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना, 4:1 है, जल्दी से फटाफट, 4:1 है, उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है,
उस मिश्रण में 3 लीटर अतिरिक्त पानी मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है, तो अम्ल और पानी का नए मिश्रण में अनुपात कितना होगा? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे। उस नए मिश्रण में क्या था जी, उस तदनुसार अम्ल और पानी का नए मिश्रण में अनुपात कितना होगा, कोई बताएगा क्या? मिश्रण पर कैसे नहीं है, इसमें तो 40 नंबर नहीं आता है, कितना हो जाएगा? 5 अनुपात 10। एक बार सुधार करके बोलेगा वही तो था, दोबारा फिर तुम चेक क्वेश्चन दोगे ना 40 नंबर लिया होगे, फर्स्ट बार कन्फ्यूजन में आता है, वही होता है। तो हम लोग लेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर को पहले M1 से बता देते हैं, ठीक है। पहले कितना बोला जी, कितना कितना बोला, 4 और 1 का है, और इसका वैल्यू कितना दिया है बाबू, 25 लीटर, यही ना दिया है, तो इसका मतलब 5 का वैल्यू कितना, 25 लीटर, कोई दिक्कत? 1 का वैल्यू कितना होगा, 5 लीटर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, तो इसका मतलब 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। लेकिन किसको मिलाया है बाबू, जल में, किसको मिलाया, जल में, जल में कितना मिला दिया, 3 लीटर, तो 20 और कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, कितना रेशियो हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 8 5 भी 2 का रेशियो हो जाएगा। दूसरा मेथड और है, लेकिन इसमें काम देख रहे हैं कि 3 लीटर मिलाया है ना। एक और तरीका बता दे M2, इसमें थोड़ा काम नहीं करेगा, अरे एक ही राजू कहना एक ही पहले तो बढ़िया सीख जाए पहले, ठीक है। और भी तरीका है लेकिन ये ठीक है, कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं दिया, खाली बोला कि सबका वैल्यू खाली निकाल दिए, 4 और 1 का मिला दिए, किसके अंदर में, पानी के अंदर में मिला दिए, रेशियो निकाल दिए, बस नया मिश्रण बन गया, इसमें 20 था, इसमें 5 और 3 और मिला दिया, तो 8, 20 और 8 का रेशियो कितना होता है, 5 और 2 का रेशियो होता है, क्या बाबू भैया, क्या अंकल बाबू, तुम जा रहे पहले से बेहतर, ठीक ठाक हो रहे हो, और हो जाओगे फिर दोबारा तिबारा RS अग्रवाल और भी मैथ आप पढ़ोगे ना, क्वेश्चन देते रहोगे, ग्रुप डी का टेस्ट देते रहोगे, ठीक हो जाओगे, लेकिन फिर बोल रहे इस बार रिजल्ट दो, और उसके लिए जीके जीएस घर में खुद पढ़ो, और नहीं पढ़ोगे तो हमारा क्या ले लोगे, हम तो मौज मस्ती करेंगे ही करेंगे तुम लोग के पैसा से, लेकिन याद रखना इससे कोई फायदा नहीं होता, हम चाहते हैं तुम्हारा रिजल्ट हो ही जाए। आगे बढ़ता 19 नंबर, मजा नहीं आता, एक ही स्टूडेंट, नया स्टूडेंट, अगर तुम पंकज ले लोगे तो फिर आगे भविष्य में तुम्हारा बेटा बेटी आगे में तो वैसे पढ़ाएंगे और भी लोगों को पढ़ाने का मौका मिलेगा, है नौकरी लोगे तुम, शादी ब्याह करोगे। आगे बढ़ते हैं, 55 kg के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है, 55 kg के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है। कोई ऐसा मास्टर है जो उसका बेटो पढ़ाया, पापो पढ़ाया, बोधो पढ़ाया, है कोई ऐसा मास्टर है, कोई बैठा तो हम खुद उसका मतलब जिसके साथ पढ़े उसका बेटा बेटी पढ़ा, बात समझे तो, लेकिन ऐसा नहीं उसका बेटी फिर बेटी फिर बेटा तो चलो देखते हैं अच्छा आगे। तो लिखना 25 लीटर के मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात मैं कितना, 55 kg के मिश्रण में दूध और जल का अनुपात कितना, 7:4 है, 7:4 है, लिख दिए यहाँ तक सर। अनुपात 7:6 करने के लिए मिलाया जाने वाला जल की मात्रा बताइए, 55 kg के एक मिश्रण में दूध और जल का अनुपात 7:4 है, अनुपात को 7:6 करने के लिए मिलाया जाने वाला जल की मात्रा बताइए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक कीजिए, कितना 10 kg के बोला, हो सकता है तो अभी हम लोग तुरंत टाइम एक बता दिया, कहा टाइम खत्म, कितना रेशियो है जी, 7:4, कितना वैल्यू दिया है, 55 kg के लीटर में, केजी में, तो 11 kg का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 11 का वैल्यू कितना, 5 ना सॉरी 55 ना 55, और 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 kg, कोई परेशानी कोई बात, अब यही रेशियो में क्या हो गया, आगे क्या हो गया, 7:6 कितना हो गया, 6
यही करना है, सात अनुपात छ में करना है। तो इसका मतलब इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वाटर है ना भेजा है जी, कि किसको जोड़ा है, वाटर को जोड़ा है, यही ना बोला, वाटर को जोड़ा, कितना जोड़ दिया, चार से छ कर दिया, इसमें कोई परिवर्तन ही ना करना, तो कितना कर दिया छ, कितना करना होगा दो, तो एक का वैल्यू कितना है पांच, दो का वैल्यू कितना हो जाएगा फाइव, यानी कितना दस केजी मिलाना। बात समझे, आसान था कि नहीं, बुद्धि काम किया कि नहीं, आसानी से बुझा, और नहीं बुझा तो फिर से एक बार कोशिश कर, दूसरा मेथड बढ़ाइए। अब दूसरा मेथड क्या है, देखिए बहुत दूर के बाद ही दूसरा मेथड आया, तो हम लोग दूसरा मेथड भी लेके चलते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, रेशियो को ठीक कर देंगे, तो मतलब कितना हो जाएगा, सात का वैल्यू यहाँ पे सात और चार का है कि नहीं रेशियो, ये सात का वैल्यू कितना एम टू ले रहे हैं, तो सात का वैल्यू कितना जी पैंतीस, इसका वैल्यू कितना आया पैंतीस, एक का वैल्यू पांच हुआ था ना जी, इससे अनुसार किए, ठीक है, ये कितना बीस, बोला पैंतीस में कुछ परिवर्तन नहीं किया लेकिन जल मिलाया है, तो कितना अनुपात हो गया, सात अनुपात छ हो गया, सात से कटा देंगे कितना बार में, पांच बार में, एक्स बराबर कितना पांच छत्तीस यानी दस के, जिधर से लो उधर से बनेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, लेकिन हम लोग बनाएंगे हमेशा, हम लोग मिनटों का काम सेकंडों में, तो हम लोग मिनटों का काम सेकंडों में कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हर सवाल चुटकी में बन जाए, देखते ही बन जाए, लेकिन हम लोग फिर भी अभी भी उतना खतरनाक नहीं बने हैं, इस बार 40 नंबर ला सकता कोई बच्चा, हमको लगता है इस बार राहुल 40 नंबर ला सकता है, अगर जीके जीएस फिर बोल रहे हैं, मेरा जितना भी सीरीज बना हुआ है जाके फटा विक्रम ट्यूटोरियल देखो, और जितना जीके जीएस बताए हैं लगभग सब वीडियो को देख लो, खत्म कर दो, देखो ना आ जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स भी देख लो, सूरज पार्क के द्वारा बहुत सारा करंट अफेयर्स बना हुआ है, बहुत सारा वीडियो में वो सब ही पूछता है, तो वो सब भी देख लो, उसके बाद ना ठीक ठाक हो जाओ, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो 19 के बाद 20 नंबर में पहुंचते जल्दी से फटाफट, अरे एक क्वेश्चन को सॉल्व कर, 20 नंबर में आते, एक पात्र में आम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर है, एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर है जिसमें 80% अम्ल है, जिसमें 80% अम्ल है, उसमें कितना जल और मिलाया जाए, उसमें कितना जल और मिलाया जाए कि 60% वाला अम्ल वाला घोल बन जाए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इजी। एक पात्र में अम्ल तथा जल के घोल के 60 लीटर है जिसमें 80% अम्ल है, उसमें कितना जल मिलाया जाए कि 60% अम्ल वाला घोल बन जाए, तुमको सवाल लिखता है कि नहीं, हाँ सर, है? आधा लिखते हैं आधा बना लेते, बाद फिर दोबारा मत पूछो, नहीं पूछेंगे, तो 60 लीटर है, ये कितना है 60 लीटर का है, अरे वो 80% है तो ऑटोमेटिक दूसरा कितना हो जाएगा 20%, तो 60 का 80% निकालने निकालने जानते हो कि मैं, हाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48, निकालने का रहता तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 12 हो जाएगा। क्या बोला जी क्वेश्चन में कि कितना जल मिलाया जाए, तो इसका मतलब अम्ल में कुछ मिलाया क्या, कुछ मिलाया क्या, ये दूसरा शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं, 48 इसमें मिलाया, इसमें मिला दिया, कितना मिला दिया जाए, ये बोलता है रेशियो कितना हो जाए 60% वाला अम्ल, ये 60% है तो ऑटोमेटिक ये कितना है 40, ये खत्म हो गया, तो कटेगा क्या, दू दुना चार दुतिया 3 से 16 और 16 दुना 32, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 20 लीटर, कितना मिला दिया जाए 20 बताया था तुमने, बहुत बढ़िया से बंद कर दो, तो 20 आराम से बना दिया कोई दिक्कत, लेकिन हम लोग बनाएंगे ट्रिक से, हम लोग क्या बनाएंगे ट्रिक से बनाएंगे कि ना, M2 से, ये ज्यादा लंबा खींच देता है थोड़ा सा, हम लोग बनाएंगे M2 से, M2 क्या कहता है जल्दी से बताओ, पहले 60 है तो रेशियो कितना कितना है 80 और 20, यही ना रेशियो है, ये कटा देंगे कितना हो जाएगा 4:1 हो जाएगा कि नहीं, और इसका वैल्यू कितना है 60, यस सर, तो ऑटोमेटिक है, और उसके बाद कितना वाटर मिलाया जी, हाँ सर, कितना वाटर मिला दिया जाए कि रेशियो कितना हो जाए, कितना हो जाए 60 और 40, तो 60 और 40 का रेशियो हो जाए, यही ना, तो इसका मतलब 20 दिया 60, 20 का 20 दुना
यही ना हो गया। तो अल्कोहल तो बराबर है दोनों में बाबू भैया, अल्कोहल बराबर है वही तो करेंगे, फिर बोल रहे हैं अल्कोहल तो बराबर है दोनों में, लेकिन यहाँ पे चार और तीन दिख रहा तो बराबर तो नहीं है, तो बराबर करना होगा। क्या करना होगा? बराबर करना। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसको कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी ज्यादा लंबा हो रहा है, चलो यही ठीक है। हाँ सर वही तो, जब लंबाई इसमें खींचा गया बन तो इसमें भी जाएगा, लेकिन हमको लग रहा है कि उस इससे लंबाई इसमें बन रहा, तो क्यों इसको करेंगे फालतू में, क्योंकि इसमें रेशियो ठीक ठाक नहीं रहा, तो बता देते लंबा का खींच देते बना ही ले रहे हैं तो बना देते हैं। ये कितना हो जाएगा जी, इसको कर देते हैं तीन से मल्टीप्लाई, इसको कितना कर दे चार से मल्टीप्लाई, तो कितना रेशियो जल्दी से बता दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3 और ये पूरा दे दिया कितना 60 और आगे कितना दिया है जी, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। तो कितना निकालना है जी, 5 का वैल्यू निकालना है, कितना का वैल्यू निकालना है 5, क्योंकि ये तो बराबर आप कर दी, कितना निकालना 5, 1 का वैल्यू कितना है 12 3 5 4, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी बन गया तो की करें बात समझे, जो स्पीड लगे वही बनाना, रेशियो तो ये काम नहीं करेगा फिर बता दे रहे हैं, ये रेशियो फिर काम नहीं करवाना, फिर जो बनाया नया रेशियो जो काट करके बनाया ना वो रेशियो काम करे, कल हम लोग प्रैक्टिकल किए थे ना उसमें, हाँ तो जो नया कट क्या पंकज समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा बता दो, क्लियर बता दो बाबू भैया, हैं समझ में आ रहा है, निर्मल समझ में आ रहा है, विष्णु समझ में आ रहा है, बम 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 बम, यस सर। हाँ तो एक बार फिर से बढ़िया बता देते, देखो परसेंटेज निकालने आप तुम लोग को सिखाए थे परसेंटेज में, तो 60 लीटर का 80% है, तो 60 का 80% निकालने के लिए हम यहाँ बता देते हैं, 60 का अगर नहीं तो जानते हो 60 का 80%, ठीक है 80% ये हुआ, सुना सुना कट गया कि नहीं, कितना हो गया 48, वही लिखे 48। उसी प्रकार 60 का 20% भी निकाल सकते, या तो एक और तरीका है, ये जब निकल गया 48 तो 60 में 48 लगेगा तो ये 12 हुआ कि नहीं, या तो 60 का 20% भी निकलेगा तो 12 निकलेगा, तो जैसे निकालना चाहो वैसे निकालने की बार बार जरूरत नहीं पड़ता। ये हो गया, तो बोलता है कि 48 अल्कोहल में कुछ नहीं बोला, बोला पानी की पानी में कितना और मिलाया जाए, पानी तो पानी में कितना मिला दिया जाए, एक्स मिला जाए तो रेशियो कितना हो जाता है 60% हो जाता है, 60% अल्कोहल वाला जाता है, 60% अल्कोहल ऊपर में है तो 60 हो गया, नीचे में कितना था 100% का मतलब 100 होता है तो नीचे में जाएगा 40, इससे सॉल्व कर दी। दूसरा एक रेशियो मेथड से जो हम लोग चले थे जो मिलाने तिराने वाला, उससे भी बना सकते हैं, बात समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बढ़ रहा बुझा रहा है कि नहीं, बुद्धि काम कर रहा है कि नहीं, चलो नेक्स्ट आते हैं, कितना नंबर आएगा 20 के बाद 21 नंबर, जल्दी से खत्म करो। ए बाबू इतना सब बताते रहेंगे तो तुम लोग क्या बनाओगे, तो क्या करना तुम लोग 1 2 3 4 क्वेश्चन लिख लो फटाफट, होमवर्क 24 तक, हाँ एकदम 24 तक तुम्हारा होमवर्क रहेगा, क्योंकि बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन में थोड़े ना दम, जब तक एक मिनट सब क्वेश्चन में बता देंगे तुम लोग क्या बनाओगे, पता के चकती। तो क्या करना है, घर में बनाना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन घर में बनाओगे तभी मजा आएगा, तभी सीख पाओगे, ज्यादा बेहतर बन पाओगे, तो नेक्स्ट टाइप में घुस जाएंगे, अब क्या मजा आएगा, नेक्स्ट टाइप तो और भी खतरनाक होगा, जहां तक मुझे लग रहा है कि बहुत ही खतरनाक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप में लिखो, जब दो मिश्रणों में कोई तीसरा मिश्रण बना जाए, बड़ी खतरनाक है, लिख लो गर्दा इंपॉर्टेंट, ठीक है ये क्या है, गर्दा इंपॉर्टेंट है, ठीक है धुरा इंपॉर्टेंट है, बात समझिए, खोपड़ी में धसा है, धसा कि नहीं धसा, तो चलो हम लोग देखते हैं जब दो मिश्रणों में कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए, लिखो 25 नंबर क्वेश्चन सीधे है, तो 25 नंबर में क्या बोल रहा है, दो पात्रों ए तथा बी में कर्मशः, दो पात्रों ए तथा बी में कर्मशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में, जब दो पात्रों ए तथा बी में कर्मशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है, अम्ल तथा जल है तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, खतरनाक कर दो, खतरनाक मस्त क्वेश्चन है एकदम, दो मेथड से बताएंगे इसको, जो बढ़िया लगेगा उसी से बनाना है, ठीक है। दो पात्रों ए तथा बी में कर्मशः 4:3 और 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है, तो इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि पात्र सी में मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 के अनुपात में हो जाए, मिलने वाले नए मिश्रण में अम्ल तथा जल 3:2 में हो जाए,
गर्दा इम्पोर्टेंट गर्दा कर दो गर्दा, दो मेथड से बताएंगे, जो मजा आ जाए वही मेथड। बनेगा तुम लोग से पहले बता देते हैं क्या। तो मेथड नंबर वन, आप लोगों को तो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा लेकिन ये लोग बाबू भैया को लिखा दिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले पहला पात्र ए है, उसमें कितना रेशियो जल्दी बता दो, चार अनुपात तीन। दूसरा में बता दो जल्दी से, पांच अनुपात तीन, कोई दिक्कत। एक में मिलके कितना हो गया सात, एक मिलके सात, और एक में कितना हो गया आठ। बराबर करना पहले मिश्रण को, कितना करना है बराबर करना, बराबर करने आता है। तो सात और आठ को जब भी बोले थे बराबर करना तो उसका एलसीएम भूल जाते हैं, जब भी बराबर किसी को करना हो तो एलसीएम ले लीजिए। सात और आठ का एलसीएम कितना होता है छप्पन, इसका मतलब गुना किसको कितना कर देंगे, गुना कितना कर देंगे आठ से, इसको गुना कितना कर देंगे सात से, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो कितना हो गया बाबू भैया, तो तुरंत हो गया, जल्दी से बता देंगे कितना हो गया बत्तीस। और एक और चीज और हो गया, तब तो बराबर हो जाएगा मिश्रण, बराबर हुआ कि नहीं, लेकिन रेशियो किस अनुपात में लेना है, एक साथ ही कर देंगे। रेशियो किस अनुपात में लेना है, रेशियो कितना हो जाएगा ऊपर आम्लता आम्ल ऊपर ऊपर में कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा जी ए बाबू भैया, तीन अनुपात दो में हो जाए, कितना हो जाए एक तीन हो जाए दूसरा दो हो जाए, यही ना बोला, अगर करके देखते चेक करके, हम देखे नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ तो, चौबीस चौका बोलो छियानवे, छियानवे दूसरा क्या हो जाएगा, हाँ चौबीस दिया बहत्तर, यहाँ पे क्या हो जाएगा सात में चौदह पंचे सत्तर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सात में चौदह दिया बयालीस, तो कितना हो जाएगा छ हो जाएगा नौ सात सोलह हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे दो दो चार और सात चार ग्यारह हो जाएगा, कटेगा क्या जी कितना से दो दो से, तो दो छह बारह दो तिया छ होगा ना, और यहाँ पे दो पंच दस सत्तावन, और कटेगा क्या तीन से कटेगा, तीन से कितना आकेश, तीन से उन्नीस कटेगा क्या आकेश अनुपात उन्नीस, क्या लगता गड़बड़ हो गया क्या, कुछ गड़बड़ हो गया लगता इस मेथड से। आंसर कितना है सर, आंसर तो बताएंगे अभी देख के, तो आठ अनुपात सात है क्या होगा, ये मतलब दूसरे मेथड से बताते हैं, इसको हम चेक करते हैं वास्तव में चेक करके नहीं देखे। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले या तो आम्ल ले लेते हैं या तो जल ले लेते हैं, ये मेथड तो पुराना था लेकिन इसको चेक करके भी बनाते हैं एकदम सही हो जाएगा, ठीक है टेंशन मत लीजिए। तो क्या बोला जी सबसे पहले, क्या बोला क्या बोला, चार अनुपात तीन, तो हम लिख सकते हैं चार अनुपात सात, कोई भी एक ठो ले लेंगे, हम किस पर चल रहे हैं आम्ल पर खाली काम कर रहे हैं, ठीक है पहला क्या हो गया पहला क्या हो गया चार अनुपात सात, कैसे लिखे पता चला ना, पहले था चार अनुपात तीन, तो हम या तो इस पर लेके बना सकते हैं तो इस पर, हम तो इस पर लेके बना रहे हैं, कोई दिक्कत नो सर। दूसरा कितना है जल्दी बता दो, दूसरा कितना है बाबू, दूसरा है आपका पांच अनुपात तीन, दूसरा क्या है पांच अनुपात तीन, कितना लिखेंगे पांच अनुपात आठ लिखेंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तीसरा में क्या बोला, एवरेज मिला करके कितना हो जाए तीन अनुपात दो हो जाए, तो इसका मतलब तीन अनुपात दो को क्या लिखेंगे तीन अनुपात पांच लिखेंगे कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने का नियम जानते ही है कि पांच बटे आठ माइनस तीन बटे पांच, और उधर क्या हो जाएगा चार बटे सात माइनस तीन बटे पांच, माइनस प्लस इग्नोर कर दीजिएगा ये, तो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, यहाँ पे हो जाएगा पचे पचे आरती चौबीस, कितना एक बटे चालीस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा चार पंचे बीस और सातिया अठीस, कितना हो जाएगा एक बटा पैंतीस, तो कह सकते हैं पैंतीस अनुपात कितना हो जाएगा चालीस, अरे क्रॉस तो गुना कर दिए जी, तो क्या हो जाएगा पांच सते पैंतीस, पांच अठे चालीस, सात अनुपात आठ इज द करेक्ट आंसर। लेकिन उसको भी बनाना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है बहुत ही इम्पोर्टेंट, सात अनुपात आठ ऑप्शन में था, आठ अनुपात सात ऑप्शन में नहीं था, ठीक है बहुत अच्छे से समझ गए। एगो बना दो तो हम चेक करते हैं, ठीक है एगो हम दे देते अभी बनाने के लिए, तब तक हम चेक करते हैं इसे को। यस सर, तो क्वेश्चन नंबर आओ छब्बीस नंबर, हम लोग ये मेथड उतना जबरदस्त खींचना पड़ता है, हम लोग करेंगे मिनटों का काम सेकेंडों में, अभी तुरंत करते हैं, रुको चेक करना होगा। लिखो कि एक प्रयोगशाला में क्या देख देख के बम बम बनेगा, बम बम निर्मल बाबा बनेगा ना एकदम, इसी तरह करना है चेक। एक प्रयोगशाला में दो बोतलों में क्रमशः दो अनुपात पांच तथा सात अनुपात तीन के अनुपात में, एक प्रयोगशाला में दो बोतलों में क्रमशः दो अनुपात पांच तथा सात अनुपात तीन के अनुपात में अम्ल तथा जल का मिश्रण है, मिश्रण है, मिश्रण है, हुआ बाबा भैया हुआ, यस
हुआ बाबू भैया मिश्रण है, क्लियर मिश्रण है, क्लियर है बाबू भैया? हाँ सर मिश्रण है। इन दोनों बोतलों की सामग्री किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों बोतलों की सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए। नए मिश्रण अम्ल तथा जल का अनुपात 2:3 हो जाए, तब तक बना के देखो, तब तक हम चेक करते हैं। चेक करते हैं बाद में, बहुत दिमाग में ये भी हो रहा है। कितना आंसर आया जल्दी बताओ? अकेश अनुपात 8 है क्या सर? अकेश अनुपात 8, अकेश अनुपात 8, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 26 नंबर बहुत ही बढ़िया ये लोग बनाया, लेकिन इसका हम शॉर्ट ट्रिक का जरूर लेके आएंगे, ठीक है? बहुत ही इतना लंबा खींचना नहीं है हम लोग को, एक चेक करके थोड़ा देखना होगा, क्योंकि अभी चेक नहीं किए हैं, अदरवाइज लोगों को बहुत फास्ट से बताते। तो पहला क्या बोला जी बाबू भैया? 2:5, कितना बोला? 2:5। तो क्या हो जाएगा, आप लोग समझ रहे होंगे, 2:7 हो जाएगा। अब दूसरा क्या बोला बाबू भैया? 7:3, कोई दिक्कत? तो जाएगा 7/ कितना हो जाएगा? 10। दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा बाबू? आगे में बोला है कि 2:3 हो जाएगा, यही बोला 2:3 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2/ कितना हो जाएगा? 5। अब बाकी आप नियम जानबे कर, तो 7/10 माइनस 2/5, और अनुपात कितना हो जाएगा? 2/7 माइनस 2/5, क्लियर हो जाएगा? 7/3 होगा वहां से। कहाँ पे बाबू? भाई बीच वाला जो, अरे 2-3-5 करोगे ना जी? तुम लगता भूल गया, 5 से 35 में 20 गया, कितना होगा? अरे 35 में 20 गया, बताओ जल्दी। 15। अरे ये कितना हो गया? या एलसीएम ले लो, 10-5 का एलसीएम कितना होता है? 10 ही ले लेते हो, तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा कितना? 4। आपका 4 हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7/35 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 5 × 10 और 7 × 14, 4/ कितना हो जाएगा जी? बोलो ना, ठीक है लिखे है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा 2 × 7 = 4 गया, 3/10 अनुपात 4/35, कुछ कटेगा, 5 × 10 5 से 35, तो कितना हो जाएगा? अकेश अनुपात 8। तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज का क्लास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आने वाला क्लास मिश्रण में खतरनाक होने वाला है। सभी बच्चे लगातार देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि हर दिन हम लाते हैं बेहतरीन क्लास। थैंक यू वेरी मच।